नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नेपाल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने 11 देशों से एम्बेसडर को बुला लिया, जिसमें इंडिया और अमेरिका भी शामिल थे। और कहा जा रहा है कि इसको एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट के अंडर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुलाया है, जिसमें नेपाली एम्बेसडर टू इंडिया, यूएस, यूके, कतर, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, स्पेन, मलेशिया, पुर्तगाल, डेनमार्क और इसराइल के एम्बेसडर शामिल हैं। और कहा गया कि हम नए एम्बेसडर को इन सभी कंट्रीज में बहुत जल्द भेजेंगे। और इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ऐसा क्यों किया गया है। और उसी के बाद ये भी बताया गया कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह को, क्योंकि हाल ही के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज के साथ सरकार बना रही है भारत में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार सरकार बनाने की शपथ लेंगे, जहां पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड को बुलाया गया है और वो इंडिया जा रहे हैं संडे को इस सेरेमनी को अटेंड करने। आपको बता दें कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल प्रचंड के साथ हुआ, और प्रचंड ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया इस हिस्टोरिक विन के लिए तीसरी बार, और दोनों ही देशों की आगे प्रगति के लिए साथ काम करने की बात भी कही। लेकिन नेपाली एम्बेसडर्स का ये रिशफल कुछ समझ में नहीं आया। आपकी क्या इस पर राय, कौन बॉस कमेंट के जरूर बताइएगा, साथ ही अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। भारत में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने वाली और फिर से नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए एनआई न्यूज़।